हेलो एलएलबी स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या होता है एलएलबी करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं जब उनका नया नया एडमिशन होता है। लास्ट में जब मार्कशीट आती है तो वो कहते हैं कि अरे हमारे तो इतने मार्क्स हैं, हम फेल कैसे हो गए, हमारी इसमें बैक कैसे आ गई, कंपार्टमेंट कैसे आ गई। तो इस वीडियो को लगातार ध्यान से देखिए और एंड तक आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा क्राइटेरिया समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें जो है पासिंग मार्क्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से दिए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, ध्यान से देखना, आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एलएलबी पासिंग मार्क्स, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके पास 9 सब्जेक्ट होते हैं एनुअल मोड पे, ठीक है। उसमें से एक होता है आपका प्रैक्टिकल का। तो यहाँ पे मिनिमम कितने पासिंग मार्क्स चाहिए आपको? कम से कम आपके 36 नंबर आने चाहिए 100 में से, ठीक है। 100 में से आपके 36 नंबर तो आने ही चाहिए पास होने के लिए। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट ले लेते हैं। पहले मैं सब्जेक्ट सारे लिख दूंगी, उसके बाद आपको मार्क्स का क्राइटेरिया बताऊंगी। ध्यान से देखना, स्किप मत करना। सबसे पहला हमने सब्जेक्ट लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट 1 का। दूसरा हमने सब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पे आर्बिट्रेशन का, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन होता है पूरा नाम इसका। थर्ड ले लिया हमने आईपीसी, इसको हम जो है पूरा बोलेंगे कंप्लीट फॉर्म में तो इंडियन पैनल कोड है, इसमें सारे सैंक्शन धाराएं दी रहती हैं। फोर्थ सब्जेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर एक्ट, ठीक है। तो ये जो है आपका हमने सब्जेक्ट लिख दिया है, इसके मार्क्स, इन सब के मार्क्स अभी हम टोटल करेंगे और देखेंगे कि हम पास हैं कि नहीं हैं। फिफ्थ हम ले लेते हैं यहाँ पे, हमारा पांचवा सब्जेक्ट कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। सेमेस्टर वाले भी ज़रूर देखें, सेमेस्टर वालों का भी मिलता जुलता ही है, लेकिन उसमें जो है मार्क्स इसमें हाफ हो जाएंगे। लीगल और लीगल या फिर जनरल इंग्लिश भी बोलते हैं इसको, या लीगल इंग्लिश भी बोलते हैं। तीनों ईयर में सिर्फ एक ही इंग्लिश का पेपर होता है जिसे लीगल या जनरल इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा फैमिली लॉ का। फैमिली लॉ में दो पार्ट होते हैं, एक होता है मुस्लिम लॉ और एक होता है हिंदू लॉ, तो इसका हम सेकंड पार्ट भी लिख लेते हैं। सेवन सब्जेक्ट में फैमिली लॉ का हिंदू लॉ, ठीक है, यहाँ पे हमने हिंदू लॉ लिख दिया। अब हम आठवां सब्जेक्ट भी लिख लेते हैं, लास्ट सब्जेक्ट, आठवां सब्जेक्ट हमारा कौन सा छूट गया है, कोई भी ले लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ले लेते हैं, भारत का संविधान, ठीक है, ये हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब हमारे 8 पेपर आ चुके हैं। नौवां हमारा होगा प्रैक्टिकल का, ठीक है, इसके नंबर बाद में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी वाले जितने भी हैं ना सब्जेक्ट, इनके हम नंबर जोड़ लेते हैं, क्योंकि 8वां पेपर थ्योरी के ही पहले हम पासिंग मार्क्स दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल के तो बाद में जुड़ जाता है, ठीक है। पासिंग मार्क्स में प्रैक्टिकल का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए उसको पहले अलग रख देंगे और 8वां सब्जेक्ट के हम यहाँ पे मार्क्स जोड़ लेते हैं। तो मिनिमम मैंने आपको बताया कितने नंबर वाला पास है, 36 नंबर वाला पास है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम सब में लिख देते हैं 36 36, फिर सबको हम टोटल कर देंगे। यहाँ पे 36 वाला पास है, यहाँ पे सब में हमने सारे कॉलम में हमने 36 लिख दिया है। अब इसमें अभी हम प्रैक्टिकल वाले को छोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें तो जो नंबर आएंगे फाइल के वो आएंगे, वो बाद में ऐड हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हम इन सबको जो है ऐड कर लेते हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स देखने ना यहाँ पे, फिर देखेंगे हम फेल हैं या पास हैं। इसमें ट्विस्ट है, इतना ही देख के मत वीडियो छोड़ के भाग जाना, क्योंकि हो सकता है आप फेल हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ये क्राइटेरिया पूरा नहीं है, पूरी वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे कर दिया सबको टोटल। अब टोटल करके कितना आया है, टोटल करके एक बार और टैली कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये सारा हमने ऐड किया, ठीक है, आ गया। अब इस सबको भी ऐड कर लेते हैं 8 को, ठीक है, 24, ये सब आ गया हमारे, हमने लिख दिया यहाँ पर 288, 288 नंबर आ चुके हैं आपके 8 सब्जेक्ट के थ्योरी के। अब बताइए आप फेल हो पास हो? फेल हो। अब पूछोगे आप कैसे, हाउ, कैसे फेल है भाई, 36 मार्क्स वाला तो पास था। यही तो इसमें ट्विस्ट है ना। अब देखिए, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल जब मैं आपको दूंगी ना, तब आपको समझ आ जाएगा कि आप कैसे फेल हुए हो। अब हम यहाँ पे दूसरी फिगर लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिए 60 60 नंबर ले लिया हमने कुछ सब्जेक्ट्स में, ठीक है, सब में नहीं लेंगे। यहाँ पे हमने 30 नंबर ले लिए, देखो 36 से नीचे भी ले लिए, किसी सब्जेक्ट में आपके देखो 36 से नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है, और 36 से ऊपर आते तो और भी अच्छी बात थी।
और इसमें ले लिए हमने 36 भी ले लिए एक में, हमने बाकियों में हमने 60 नंबर ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इन सबको पहले की तरह हम ऐड कर देंगे, 6 का 6 उतार देंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। अब हम लेफ्ट साइड वालों को भी ऐड कर देंगे सबको, ठीक है। अब ये देखिए आप ऐड कीजिए सारे 8 सब्जेक्ट के जो जो मैंने मार्क्स लिखे हैं इनको ऐड कीजिए, कितना हो गया, जोड़िए इसको दोबारा से टैली कर करिए कितना आ गया है। ये आ गया 426। एक बार दोबारा टैली कर लेते हैं, कहीं हमने गलत तो नहीं लिखा, तो ठीक है 426 आ गया। अब आप क्या फेल हो पास हो? पास हो आप, ठीक है पास हो आप। अब आपका एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई इसमें तो 30 नंबर थे तो हम इसमें पास कैसे हो गए, इसमें तो भाई आप फेल ही हो, इसमें तो आप फेल हो, लेकिन ओवरऑल आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाओगे, नेक्स्ट क्लास में आप चले जाओगे। लेकिन ये जो आपका एक एग्ज़ाम है ना हिंदू लॉ का, फैमिली लॉ का, ये आपको नेक्स्ट टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम यानी जब री के पेपर होंगे ना तब आप दोगे। और ये 36 मार्क्स वाला पास है क्योंकि 36 मिनिमम मार्क्स था, तो ये जो है इसका पूरा फंडा है। अब इसमें आपको अभी भी आप कन्फ्यूज हो, ठीक है अभी बताती हूँ, वो कन्फ्यूज़न आपका दूर करती हूँ। ये सारे नंबर कितने में से मिले हैं? एनुअल मोड के हैं। 100 नंबर, 100 मार्क्स का होता है प्रत्येक सब्जेक्ट, ईच सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का सब में 100 में से मिले हैं 60-60 नंबर। और अब आपको मैं बता देती, अब सपोज दैट आपके प्रैक्टिकल में 80 नंबर आ गए, ठीक है 80 नंबर भी जोड़ दो, टोटल आपकी पूरी मार्कशीट तैयार हो जाएगी, 506 नंबर आ गए, ठीक है ठीक आ गए आपके नंबर, ठीक है। अब इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, अब ज़रूरी बातों को जान लीजिए। प्रैक्टिकल के नंबर तो बाद में जुड़ेंगे, जुड़ जाएंगे, उससे लेना देना नहीं है। पासिंग क्रिटीरिया सिर्फ 8 सब्जेक्ट थ्योरी सब्जेक्ट जो आप देते हो ना लिख के आते हो वहाँ पे, उनमें से आपको मिलते हैं नंबर। प्रैक्टिकल में भी फेल का क्रिटीरिया होता है लेकिन प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है, कॉलेज वाले पास करवा ही देते हैं, ये सब आप जानते हो। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लो, अभी बताती हूँ मैं आपको जो आपके अंदर डाउट घूम रहा है माइंड में। 36 जो है वो पासिंग मार्क्स है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 36 की फिगर को माइंड में रखना। अब देखिए यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स का भी फंडा है 384, ये बात निकल के आई ना सामने, 384 नंबर आपको लाना ही लाना है किसी भी कोस्ट में, टोटल में 8 सब्जेक्ट की 384 मार्क्स होने चाहिए। 384 से अगर कम आ गए तो आप फेल माने जाओगे, चाहे आपके सम में 36-36 नंबर क्यों नहीं है, आप 384 वेरी इंपॉर्टेंट फिगर है, ये आपकी आनी चाहिए तभी आप पास होगे। एग्रीगेट होता है 48%, ठीक है 48% मार्क्स लाना ज़रूरी है, 384 मार्क्स टोटल है, लाने ही पड़ेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, रिमेंबर दिस ऑल स्टूडेंट, रिमेंबर इट, बिलो दैन 384 मार्क्स यू विल बी फेल यू, ठीक है। और ये दूसरी चीज़ भी आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो मैं नीचे लिख रही हूँ ये, इसमें मैंने क्या लिखा है, ये कैमरा, इफ़ योर मार्क्स आर अबाउट टू 384 आई थिंक है ना, तो यू विल बी पास, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा ना, थैंक यू। बच्चों अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं आपको लेटेस्ट अपडेट एलएलबी से रिगार्डिंग देती रहूं और आपकी हेल्प करती रहूं। जितना भी नॉलेज मेरे पास है एलएलबी से रिगार्डिंग वो मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी, और आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।